नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है अब 10 की डिस्कवरी का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति से पाकिस्तान कितना डरता है, कितना खौफ खाता है, कैसे भारतीय सेना की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान थर थर कांपने लगता है, एक बार फिर दरअसल ये साबित हो गया है। और ऐसी खबर सामने आई है जो आज डिस्कवरी का हिस्सा है। दरअसल जैसे ही पीएम मोदी ने डीसा एयरबेस को लेकर हुंकार भरी, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। हुक्मरानों से लेकर अवाम तक डर से थर्राने लगी और ये चर्चा शुरू हो गई है कि इसी तरह भारत अगर आगे बढ़ता रहा तो वो दिन अब दूर नहीं जब पाकिस्तान भी भारत के कब्जे में होगा। आइए आपको दिखाते हैं आज के बिग डिस्कवरी, डीसा से डरे पाकिस्तान की डिस्कवरी। हमारी वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, उन्होंने एक नई एयर बेस का इफ्तिताह किया है और जो कि समझ लें कि अब पाक इंडिया बॉर्डर के जो ऊपर है वो बेस बन रही है। पीएम मोदी के हुंकार, पाकिस्तान में हाहाकार। हमारी वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। डीसा में नया आरबीएस, पाक में कुछ नहीं बचेगा शेष। मतलब हम दुनिया के उन मुल्कों में से हमारा शुमार है अल्हम्दुलिल्लाह जो कर्जा लेते हैं सूद देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए हम कर्जा लेते हैं। तो हमारा तो लेवल अल्हम्दुलिल्लाह इन सियासतदानों ने वहाँ पे ले आए हैं। और ये एयरबेस जो है गुजरात में डीसा के शहर में बनेगा और ये तकरीबन आप कह लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए का बनेगा और इसका रकबा तकरीबन